वेलकम टू टेक्नो स्मार्ट। तो यहाँ पर हम एक कंप्लीट ब्लॉगिंग सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं पीएचपी एंड माइस्कल के द्वारा। इससे पहले ट्यूटोरियल में हमने क्या किया था, वहाँ पे लॉगिन सिस्टम क्रिएट कर लिया था और डैशबोर्ड क्रिएट कर लिया था। ओके, डैशबोर्ड एंड यहाँ पे हम यूजर को ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड न्यू यूजर्स। सो यूजर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये पहले से ऐड किए हो, यहाँ पे आप अदर ऐड भी कर सकते हैं। तो ये पिछले ट्यूटोरियल में कंप्लीट हो चुका था, लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आर्टिकल ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल ऐड करना सीखेंगे यहाँ पे। तो आर्टिकल को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये फाइल क्रिएट करनी है। तो आर्टिकल ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ये फाइल क्रिएट करनी है, ऐड ब्लॉग आर्टिकल। तो चलिए क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले एडमिन पे। एडमिन पे जाने के बाद राइट क्लिक, न्यू फाइल एंड देन सेव, एंड यहाँ पे क्लिक करनी है ऐड, ऐड माइनस ब्लॉग माइनस आर्टिकल। तो ये आपको रखना है एंड डॉट पीएचपी। ठीक है, ऐड ब्लॉग यूजर आर्टिकल। ठीक है, तो इस नेम से आपको क्रिएट करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस नेम से आपको क्रिएट करना है। सो ठीक है, एंटर। तो इस नेम से आपको ऐड करना है, ये नेम ऐड ब्लॉग आर्टिकल, इस नेम से आपको क्रिएट करनी है एक न्यू फाइल। ठीक है, तो इसमें कोड करते हैं जो कि काम करेगी हमारे आर्टिकल को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसमें कोड करते हैं। तो सबसे पहले ये सेम कोड आपको रखना है, मैंने सभी फाइल में आपको बताया, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी आपकी। यहाँ पे चेक करेगा सेशन को, सेशन क्रिएट है, लॉगिन है कि नहीं है, इंक्लूड हेड फंक्शन मैंने इंक्लूड करा दिया। अब टेक्नो ब्लॉग मेरा टाइटल हो गया। ठीक है, उसके बाद तो ये सभी फाइल में सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो सभी फाइल में सेम ही रहना है, तो मैं फटाफट आपको करके दिखाता हूँ। ठीक, मैंने क्लास ले ली यहाँ पे, कंटेंट ये भी सेम है सभी फाइल में, मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको करके दिखाया था, तो सेम जो कंटेंट है मैं आपको फटाफट से दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ से कोड करते हैं कि मैं हम आर्टिकल को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करना भी नॉर्मल ऐसे ही होगा जैसे यूजर को ऐड करते हैं, उसमें थोड़ा सा बस चेंजेस होगी। तो चलिए करते हैं कोड। तो इफ इस सेट, यहाँ पे मैं बटन पे सेट करूँगा मेरा फॉर्म फिलअप हो। ओके, डॉलर पोस्ट मेरा सबमिट, तो सबमिट नेम से मैं एक बटन क्रिएट करने वाला हूँ। नेक्स्ट, अब मैंने इससे पहले ट्यूटोरियल में, यदि आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो वो ट्यूटोरियल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये प्रॉपर कंप्लीट ब्लॉगिंग सिस्टम की कैसे आर्टिकल को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं वैलिडेशन करूँगा, तो वैलिडेशन मेरी पहले की तरह सेम ही होगी जैसे वैलिडेशन मैंने वहाँ पे की थी। तो मैं एक वैलिडेशन दिखाता हूँ, फिर फटाफट करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इफ डॉलर आर्टिकल, तो आर्टिकल टाइटल। ठीक है, तो ये मेरे फील्ड्स होंगे जो कि मैंने वहाँ पे लूंगा मैं। ठीक है, जो कि मैंने डेटाबेस में भी लिया है, मैं आपको डेटाबेस भी नॉर्मली दिखा देता हूँ। टेक्नो ब्लॉग यहाँ पे लिया था मैंने, यहाँ पे आर्टिकल आईडी लिया हुआ, आर्टिकल टाइटल लिया, आर्टिकल डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल कंटेंट, आर्टिकल डेट लूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जस्ट इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो ये प्रॉपर हो गया। अब मैं वन बाई वन करता हूँ उनके वैलिडेशन करते हैं। तो वैलिडेशन मैंने पिछले ट्यूटोरियल में दिखाया था, तो मैं फटाफट एक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको करना है डॉलर, जो कि अगर उसमें, ठीक है, अगर उसमें डेटा इंसर्ट नहीं करते हैं, कुछ टाइप नहीं करते हैं, तो वो दे दे मुझे प्लीज़ एंटर योर टाइटल प्रॉपर, तो ये मुझे यहाँ पे दे दे। इस तरीके से आपको आर्टिकल टाइटल के, आर्टिकल डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल कंटेंट के लिए आपको वैलिडेशन करनी है। तो मैं फटाफट करके दिखा देता हूँ। से पहले यहाँ पे देना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट डॉलर पोस्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे वैलिडेशन कर ली आर्टिकल टाइटल के लिए, आर्टिकल डिस्क्रिप्शन के लिए, उसमें डिस्क्रिप्शन अगर नहीं टाइप किया, आर्टिकल कंटेंट के लिए, तो ये मेरी प्रॉपर हो जाती है, जो कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में भी आपको बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। देन इफ इज नॉट सेट, तो यहाँ पे मुझे नॉट देना पड़ेगा, इट्स सेट। एंड यदि कोई एरर नहीं है, डॉलर एरर जो मैंने वहाँ पे क्रिएट किया था, देन तो क्या हो, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में यहाँ पे यूज करूंगा ट्राई, तो यहाँ पे डेटा मेरा इंसर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं डेटा मेरा इंसर्ट होने, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल कर दूँ एसटीएमटी। ओके, फिर प्रिपेयर। ओके,
उसके बाद इंसर्ट क्वेरी मुझे परफॉर्म करनी है, इंसर्ट सेम ही प्रॉब होगी, इंसर्ट इनटू किस में, टेक्नो ब्लॉग जो कि मेरा ब्लॉग की टेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो टेक्नो ब्लॉग है मेरी ब्लॉग की टेबल है मैंने यहाँ पे ले ली। ओके, ये क्या क्या मेरे फिर आर्टिकल टाइटल, आर्टिकल डेस्क्रिप्ट, डेस्क्रिप्ट लिया हुआ मैंने, डेस्क्रिप्शन को डेस्क्रिप्ट लिया हुआ है, आर्टिकल कंटेंट, देन आर्टिकल यहाँ पे मुझे आर्टिकल डेट भी लेना पड़ेगा, आर्टिकल डेट ठीक है, क्योंकि मुझे डेट को भी इंसर्ट करना है, किस डेट में मेरा आर्टिकल इंसर्ट हो। जस्ट मुझे वैल्यूज़ देनी है, वैल्यूज़ तो वैल्यूज़ में मुझे डिफाइन करना है, फटाफट मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे टाइटल, फिर आता है मेरा नेक्स्ट कॉलन आर्टिकल डिस्क्रिप्शन, फिर नेक्स्ट कॉलन आता है मेरा आर्टिकल कंटेंट, फिर नेक्स्ट आता है मेरा आर्टिकल डेट ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन, डॉलर STMT प्रॉपर एग्जीक्यूट एरे, क्रिएट करता हूँ मैं एरे। ओके, तो आर्टिकल टाइटल ठीक है, उसके बाद ही जस्ट फॉलो द सेम प्रोसेस, फिर डॉलर आर्टिकल टाइटल, और उसके बाद सेम ही आपको आर्टिकल डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल कंटेंट और आर्टिकल डेट के लिए भी करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, आर्टिकल डिस्क्रिप्शन को भी कर दिया, आर्टिकल डिस्क्रिप्शन के लिए भी कर लिया, आर्टिकल कंटेंट के लिए भी कर लिया, और डेट, डेट में मैंने यहाँ पे डेट फंक्शन का यूज किया है, जो कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको फंक्शंस बताए थे, डेट फंक्शन वहाँ पे लिस्ट भी दिखाई थी कंप्लीट टिकट टाइम के लिए सेट, वहाँ पे आपको डेट फंक्शन मिल जाएगी YMD, ये एक फॉर्मेट होगी इसकी डेट की ठीक है, डेट फंक्शन और टाइम के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है रिडायरेक्ट कराना पड़ेगा इसको ठीक है, चलिए रिडायरेक्ट करा, तो यहाँ पे सेमी कॉलन हेडर इसको रिडायरेक्ट कराते हैं, रिडायरेक्ट कहाँ पे कराना है आपको, लोकेशन मतलब कि इंसर्ट कराने के बाद रिडायरेक्ट इंडेक्स डॉट PHP, एंड देन एक्शन देना पड़ेगा उस पर, एक्शन एक्शन ओके, एंड एडिट एग्जिट देना है, एग्जिट PDO एक्सेप्शन, एक्सेप्शन दे देते हैं यहाँ पे, एक्सेप्शन डॉलर ई जस्ट फॉलो द सेम प्रोसेस, एको डॉलर ई ओके, उसके बाद मेरा गेट मैसेज, दैट्स इट। यहाँ पे हम चेक करते हैं इफ इज सेट ठीक है, डॉलर एरर चेक करते हैं, एरर ठीक है, यदि एरर फाउंड होती है कुछ फॉर ईच एरर, जो मेरा एरे था एरर एज डॉलर एरर, हाँ उसके बाद आता है आपका यहाँ पे मैं एको करा देता हूँ जो भी मेरी एरर आ गई, एको नाउ क्लोज द PHP क्लोज। उसके बाद जस्ट बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक फॉर्म क्रिएट करूँगा, तो फॉर्म मैं फटाफट क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि फॉर्म आपको कैसे क्रिएट करना है, तो फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक सिंपल सा HTML फॉर्म है। तो ये मैंने फॉर्म क्रिएट कर लिया, अब मैं फॉर्म के बारे में बता देता हूँ, फॉर्म में मैंने एक्शन लिया, मेरा सेम पेज का एक्शन लिया, मेथड मैंने पोस्ट ले लिया, यहाँ पे आर्टिकल टाइटल लिया, फर्स्ट जो मेरा इनपुट बॉक्स होगा आर्टिकल टाइटल के लिए होगा, उसको मैंने दे दिया आर्टिकल नेम, तो नेम आप वो सेम रखिए ठीक है, इसको स्टाइल दे दी, विड्थ दे दी 100%, हाइट दे दी मैंने इसको 40 पिक्सल, और इसको वैल्यू दे दी, कि वैल्यू क्या होगी, वैल्यू वहाँ पे जाके चेक करेगी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर एरर आती है इसमें क्या हो गया, यहाँ पे ये वैलिडेशन के लिए हमने वैल्यू सेट कर दी, यदि कोई वैल्यू नहीं डालता है यूजर तो उसको एरर मिली, प्लीज एंटर द वैल्यू, एंटर द टाइटल। तो ऐसे ही मैंने सेम डिस्क्रिप्शन के लिए कर लिया ठीक है, और ऐसे ही मैंने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए, और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने टेक्स्ट एरिया यूज किया, यहाँ पे नेम दिया मैंने आर्टिकल कंटेंट, और इसको आईडी दे दी, आईडी टेक्स्ट एरिया वन, आईडी क्यों दी मैं अभी आपको बताऊंगा, आईडी क्यों दी मैंने यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, HTML टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे, उसको हम इनको क्लास में MC एडिटर ठीक है, MC एडिटर दे दिया मैंने, MC एडिटर में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, कॉल्स ले दी ये सिंपल HTML का, तो यहाँ पे भी चेक कर रहा हूँ कि टेक्स्ट एरिया इम्पट या वैल्यू इंसर्ट की गई है, यदि उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं इंसर्ट करता वो सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो वो एरर दे दे वैलिडेशन, और यहाँ पे एक बटन लिया, बटन का क्लास दे दी मैं सब बटन, जो कि मैं CSS क्रिएट कर चुका हूँ, उसका नाम सबमिट बटन, उसके बाद जस्ट डिव को क्लोज कर देना है, एंड यहाँ पे सबसे नीचे जो आता है फुटर का आपको इंक्लूड करा देना है,
तो ठीक है, ये प्रॉपर हो गया मेरा। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं इसमें कोई एरर है कि नहीं। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिया हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड न्यू आर्टिकल। ठीक है, तो सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड 59 सिंटैक्स, तो सिंटैक्स एरर आ रही है अनएक्सपेक्टेड 59। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो लाइन नंबर 59। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक रिमूव कर देता हूँ, शायद ये अनएक्सपेक्टेड दे रहा है सी वजह से। ओके, ये मेरा प्रॉपर आ रहा है यहाँ पे। मैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में साइड बार भी लूंगा, तो ये मेरा प्रॉपर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइटल ऐड करते हैं। तो चलिए टाइटल ऐड करते हैं, हाउ टू क्रिएट ए ब्लॉग इन PHP। तो मेरा टाइटल हो गया हाउ टू क्रिएट ब्लॉग इन PHP। तो सब कंट्रोल सी, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मैं ऐसे ही रैंडम दे देता हूँ कुछ भी टेक्स्ट। ठीक है, ये मेरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। ओके, उसके बाद लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, जितना भी आपको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन रखना है ऐसे आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद मैं जैसे सबमिट करता हूँ, तो सिंटैक्स एरर एक्सेस वैलिडेशन हैव एरर चेक एट लाइन। तो थोड़ा इंसर्ट में शायद प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको चेक करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। तो एरर आना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको सॉल्यूशन करना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लोज करना रह गया था, तो मैं यहाँ पे एक पैरेंथेसिस दे देता हूँ। ठीक है, तो अब ये क्लोज हो गया है। अब सेव करते हैं एंड रन करके देखते हैं। ठीक है, फटाफट से मैं वही दे देता हूँ, एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एडिट तो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो मेरा आ रहा है, अब ये यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको क्या करते हैं हम HTML एडिटर से करते हैं। तो HTML एडिटर कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, सबसे ऊपर जाना है, एंड जहाँ पे ये टाइटल है इसी के नीचे आपको इंक्लूड करानी है एक फाइल। यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट इंक्लूड करानी है, तो सबसे पहले स्क्रिप्ट SRC। ठीक है, और उसके बाद SRC आपको पाथ देना है। तो मैं पाथ जस्ट मैं दिखा देता हूँ आपको पाथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट, तो टीनी एम सी, मैम यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ, तो टीनी एम सी डॉट कैच ए फ्लाई डॉट नेट 4.0 वर्जन, इसका है, वर्जन है टीनी एम सी, इसकी JS यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे लिंक दे दी है। अब मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट क्रिएट करूँगा जो कि टेक्स्ट एरिया को वहाँ पे HTML एडिटर में कन्वर्ट कर देगी। तो चलिए स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे फटाफट मैं स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्टीम के डॉट इनिट एंड नाउ यहाँ पे मोड देना है मुझे, मोड मोड स्पेसिफिक टेक्स्ट एरियाज के प्रॉपर। उसके बाद एडिटर सेलेक्टर सेलेक्टर, ठीक है, तो एडिटर सेलेक्टर मैंने वहाँ पे क्लास दी थी। ठीक है, MC एडिटर जो मैंने वहाँ पे क्लास दी थी, MC एडिटर, ठीक है, वो क्लास में यहाँ पे डिफाइन की है मैंने। ठीक है, और इसमें प्लगइन्स डिफाइन कर देता हूँ, तो प्लगइन्स मैं फटाफट डिफाइन कर देता हूँ फिर। तो टीम की इनिट मैंने यहाँ पे दे दिया, मोड दे दिया स्पेसिफिक एरियाज, एंड एड सेलेक्टर दे दिया मैंने, MC एडिटर और प्लगइन्स दे दिए। इसके काफ़ी प्लगइन्स होती हैं वहाँ पे, ये स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं। ठीक है, या आप इसको टाइप भी कर सकते हैं, उससे ये सभी इसके प्लगइन्स होते हैं जो कि नॉर्मल्स होते हैं। ठीक है, और विजुअल ब्लॉग्स होता है, कोड फुल स्क्रीन होता है, ठीक है, मीडिया टेबल कंटेंट होता है, इसमें टूल बार होते हैं, इंसर्ट फाइल, रीडू, स्टाइल सेलेक्ट, बोल्ड, इटैलिक। तो ठीक है, तो ये एक तरीके से हो जाता है प्रॉपर। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ऐसे, रिमूव एंड सेव करते हैं। और मैंने जो यहाँ पे लिया है MC एडिटर, वो मैंने टेक्स्ट एरिया में भी दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मैंने वहाँ पे दिया है। टेक्स्ट एरिया में मैंने दिया है क्लास, ये ली है मैंने यहाँ पे क्लास। और सेव करते हैं इसको, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर आ चुका है, एक प्रॉपर टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं आप, इमेज ले सकते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिल जाती है, एक कंप्लीट फॉर्मेट किसी में भी आप एडिट कर सकते हो। तो चलिए हाउ हाउ टू क्रिएट एन ब्लॉग इन PHP MySQL डेटाबेस।
एंड क्वेश्चन मार्क, तो इसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में से ले लूँगा, ठीक है, ये प्रॉपर हो गया। उसके बाद लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, और इसमें देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें आप फॉर्मेट ले सकते हैं कोई भी प्रॉपर, देखिए ऐसे, ठीक है, पैराग्राफ भी ले सकते हैं, पैराग्राफ ऑटोमेटिकली आ जाता है, फॉर्मेट और भी फॉर्मेट्स है, बहुत चीज़ है इसमें, इंसर्ट वीडियो, इंसर्ट लिंक वगैरह बहुत चीज़ है इसमें, टूल्स, सोर्स कोड यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रॉपर एडिट कर सकते हैं HTML, और इस तरीके से सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद ये यहाँ पे सबमिट होता रहेगा बार बार, ठीक है। अब मैं डेटाबेस में दिखा देता हूँ, तो ये डेटाबेस में भी इंसर्ट हो चुका है प्रॉपर, डेट, आर्टिकल, कंटेंट, तो ये प्रॉपर हो चुका है। तो उसके बाद डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एडिट करेंगे, ठीक है। तो एडिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, एडिट डॉट PHP, जो कि मैंने पहले से प्री डिफाइंड है। तो सबसे पहले आपको सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में जाना है, एडमिन पे राइट क्लिक करना है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है, न्यू फाइल आपको इस नेम से क्रिएट करनी है, एडिट ब्लॉग आर्टिकल, ठीक है, इस नेम से आपको क्रिएट करनी है। तो चलिए क्रिएट करते हैं, इसको सेव करते हैं, Ctrl+S+V एंड सेव, एडिट ब्लॉग आर्टिकल से मैंने अभी ले लिया है इसको, और उसमें कोड करते हैं। तो इसका कोड मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था पिछले ट्यूटोरियल में, जब मैंने वहाँ पे ब्लॉग एडिट किया था वो सेम ही होगा, तो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस आपको बताता चल जाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट होगी। तो टाइम सेव करने के लिए हम इसको फटाफट करेंगे, जो क्योंकि सेम कोड ही है एडिट करने का। सबसे पहले मैंने सेम ही है जो कि मैंने अभी किया है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल आती है, सभी पेज में आती है, लॉगिन चेक करना होता है कि ये लॉगिन है कि नहीं है, ठीक है, इंक्लूड ये आती है, और मैंने TinyMC एडिकेटर भी ले लिया है, ठीक है, जो कि मैंने वहाँ पे ऐड में लिया था, तो ये सेम ही है, तो सेम ही कर सकते हैं आप, वहाँ से उठाकर सेम ही पेस्ट कर सकते हैं। तो सेम कोड है, मैंने इसलिए फटाफट दिखा दिया आपको। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं अपडेट के लिए, तो यहाँ पे करते हैं H2 एडिट पोस्ट, तो ठीक है, एडिट पोस्ट करेंगे हम यहाँ पे, ओके। उसके बाद वैलिडेशन भी आपका सेम ही रहेगा, तो मैं दिखा देता हूँ फटाफट, तो जो सेम ही रहना है मैं उसके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा उसमें, तो वो क्योंकि मैं उसको बार बार नहीं बता पाऊँगा, उसमें टाइम कंज्यूम होगा आपका भी और मेरा भी काफ़ी, तो चलिए ठीक है, डॉलर पोस्ट। उसके बाद नेक्स्ट मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे लेके चलना है, तो सबमिट बटन तो सेम ही होगा, जैसे मैंने वहाँ पे यूजर को एडिट किया था ऐसे ही मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा सेम बताता चल जाऊंगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यदि आपने वो ट्यूटोरियल देखा हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे दे देते हैं एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे डॉलर पोस्ट मेरा वेरिएबल हो गया, ठीक है। उसके बाद जस्ट आपको वैलिडेशन करनी है, जैसे कि आपने पिछले फॉर्म में किया था जब आप ऐड कर रहे थे टाइटल को, तो सेम ऐसे ही वैलिडेशन आपको यहाँ पे करनी है, तो मैं आपको फटाफट करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे किया सबमिट बटन पे एक्सट्रैक्ट, जो सेम, अब मैंने वहाँ पे जब ऐड किया था टाइटल तो मैंने वहाँ पे भी वैलिडेशन की थी सेम, ठीक है। देन आर्टिकल के लिए एंड डिस्क्रिप्शन के लिए, कंटेंट के लिए, तो एडिट और ऐड करना थोड़ा सेम ही हो जाता है प्रोसेस, इसमें कुछ नहीं हो सही। इसमें एडिट अपडेट ऑपरेशन में क्या होता है, हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं, देन अपडेट क्वेरी के द्वारा उसको अपडेट कर देते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो आता है इसमें हम चेक करते हैं एरर, इफ इट्स सेट डॉलर एरर, ठीक है, ट्राई, यहाँ पे मैं अपडेट क्वेरी परफॉर्म करूंगा, तो अपडेट क्वेरी कैसे परफॉर्म करनी है मैं आपको बताता हूँ। डॉलर STMT प्रिपेयर, ओके, और जस्ट यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने वहाँ पे जब मैंने ब्लॉग यूजर को एडिट किया था वहाँ पे अपडेट ऑपरेशन किया था, अपडेट करने के लिए हम अपडेट क्वेरी का यूज़ करते हैं, जो कि आपको देखा होगा टेक्नो कहाँ से ब्लॉग, ठीक है, टेक्नो ब्लॉग मेरी सेट, यहाँ पे फील्ड सेट करने हैं जो जो मुझे अपडेट करने हैं। तो आर्टिकल, आर्टिकल टाइटल आता है मेरा, फर्स्ट आता है आर्टिकल टाइटल इक्वल्स टू, ठीक है, आर्टिकल टाइटल प्रोसेस, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आता है मेरा नेक्स्ट, जो आता है मेरा आर्टिकल डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू कॉलन आर्टिकल डिस्क्रिप्शन, उसके बाद नेक्स्ट मेरा प्रोसेस जो आ जाता है आर्टिकल डिस्क्रिप्शन मेरा हो गया। फिर उसके बाद आर्टिकल कंटेंट आता है, आर्टिकल कंटेंट इक्वल्स टू कॉलन आर्टिकल कंटेंट, ठीक है, वेयर क्लॉज
वेयर आर्टिकल आईडी, जहाँ पे आर्टिकल आईडी होगी मेरी, क्या आर्टिकल आईडी क्या होगी मेरी, इक्वल्स टू कॉलन आर्टिकल आईडी, ठीक है, जो पेज की आईडी होगी, मतलब बटन की आईडी जो होगी उससे हमें एडिट करना है, ठीक है, ये हो गया मेरा सेमी कॉलन, ठीक है, एंड देन STMT, ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे एरे, एरे क्रिएट नाउ, ठीक है, फटाफट मैं एरे क्रिएट कर लेता हूँ, सेम ही रहेगा जैसे मैंने वहाँ पे एरे क्रिएट किया था, इसमें जो भी वैल्यू आएगी आर्टिकल, ठीक है, क्यूट करते हैं आर्टिकल टाइटल एंड नाउ डॉलर आर्टिकल टाइटल, ठीक है, तो आर्टिकल टाइटल आ गया, तो फटाफट मुझे आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल कंटेंट एंड आर्टिकल आईडी के लिए भी सेम ही करना पड़ेगा, फटाफट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया, मैंने आर्टिकल डिस्क्रिप्शन के लिए भी कर लिया, आर्टिकल कंटेंट के लिए भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया एंड आर्टिकल को भी दे दिया कि ये वैल्यू आ रही है मेरी, ठीक है, उसमें हो गया, उसके बाद जस्ट सेमी कोलन एंड हेडर, हेडर फंक्शन लोकेशन देनी है मुझको उसमें, लोकेशन, लोकेशन क्या देनी है मुझे इसमें, इंडेक्स डॉट पीएचपी, पीएचपी एंड क्वेश्चन मार्क, इसमें एक्शन देता हूँ मैं सेम जैसे मैंने वहाँ पे एक्शन दिया था, तो ये सेम ही आपका है, अपडेटेड यहाँ पे सेमी कॉलन एक्जिट दैट्स इट, नाउ कैच क्या पीडीओ एक्सेप्शन, सेम पीडीओ एक्सेप्शन डॉलर ये हैंडल कर रहा है एक्सेप्शन, एको कर लेता हूँ, एको कैट मैसेज एंड डन, ठीक है, एंड पीडीओ एक्सेप्शन, ठीक है, अब ठीक है पीडीओ एक्सेप्शन फर्स्ट वन क्लोज, उसके बाद डन पीएचपी क्लोज होगी, उसके बाद चेक करते हैं एरर को, तो यहाँ पे मैं एरर सेम ही प्रोसेस होगा, एरर को चेक करके If dollar error for each loop dollar error as dollar error की मैंने क्रिएट किया वहाँ पे और echo करा दे क्या error, तो जितनी भी errors हो कि यहाँ पे echo करा दे, br tag दे देता हूँ मैं यहाँ पे एंड देन दैट्स इट, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है मुझे डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद ही मैं अपडेट कर सकता हूँ, वहाँ से डेटा लेके आते हैं, तो ट्राई यूज करता हूँ मैं फिर से, ट्राई ब्लॉक एंड फिर से डॉलर एसटीएमटी, फिर कहाँ से सिलेक्ट क्वेरी यहाँ पे परफॉर्म करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ से मैं डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आर्टिकल पहले आर्टिकल आईडी टाइटल, नेक्स्ट आता आर्टिकल डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल कंटेंट फ्रॉम कहाँ से टेक्नो ब्लॉग, जो मेरी टेबल थी वहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ डेटा को, एंड वेयर क्लोज यूज करते हैं यहाँ पे, वेयर आर्टिकल आईडी के थ्रू कर रहे, तो आर्टिकल आईडी लेनी हमें पड़ेगी यहाँ पे, और आर्टिकल आईडी हमारी होगी आर्टिकल आईडी प्रॉपर, ठीक है, फिर डॉलर एसटीएमटी एग्जीक्यूट एरे, आर्टिकल आईडी डॉलर गेट सिंगल कोटेशन मार्क, फिर आ जाता है डॉलर रो वेरिएबल क्रिएट करते हैं अनदर इक्वल्स टू डॉलर एसटीएमटी जो मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है एंड फैच, ठीक है, फैच फंक्शन यहाँ पे, तो ये कंप्लीट डेटा को फैच करेगा जो कि हमें आईडी के थ्रू लेके आएगा, कैच प्रॉपर मैसेज हो गया, उसके बाद जस्ट क्लोज इट, उसके बाद जस्ट आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है जिसमें हम क्या करेंगे डेटा को लेके आएंगे, वैल्यू की जगह हम डेटा जो लेके आ रहे हैं वो देंगे एंड नेम प्रोवाइड करेंगे, तो सेम मैं फटाफट क्रिएट करके दिखा देता हूँ, जस्ट को क्लोज करते हैं नाउ,
तो मैंने ये फॉर्म क्रिएट कर लिया है। फॉर्म में मैंने यहाँ पे एक्शन कुछ भी लिया, सेम पेज का एक्शन लिया, और मैंने मेथड पोस्ट दिया उसमें, ठीक है। इसको हिडन रखा है क्योंकि हम आईडी के थ्रू उसको अपडेट करेंगे। आईडी लेके आ रहे हैं, यहाँ पे एको कर दिया मैंने आईडी को, तो यहाँ पे आईडी आ चुकी है। एक प्रॉपर होता है क्रूड एप्लीकेशन, मैंने कंप्लीट बताया था, यदि आपने वो नहीं दिखा तो वो ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, क्रूड एप्लीकेशन बाय टेक्नो स्मार्टर। तो ये होता है कि आप आर्टिकल आईडी लेके आ रहे हो डेटाबेस से, और यहाँ पे आपने यूज की वैल्यू के थ्रू, ठीक है। आर्टिकल टाइटल में क्या है, आपने वैल्यू दी होगी रो आर्टिकल टाइटल, तो वहाँ पे कंप्लीट आर्टिकल टाइटल जो भी होगा वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। स्टाइल सीट मैंने वही पहले वाली वहाँ पे यूज की गई है जो मैंने ऐड करते टाइम यूज की थी, आर्टिकल को ऐड करते टाइम यूज की थी। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो नेम आपको फोकस रखना, नेम पे आपको फोकस रखना है। यहाँ पे रो करा दिया मैंने, क्या यहाँ पे क्या करा दिया, यहाँ पे मैं वैल्यू लेके आ रहा हूँ किसकी, आर्टिकल डिस्क्रिप्शन, तो कंप्लीट आर्टिकल डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, आर्टिकल कंटेंट आ जाएगा इसी तरीके से, एंड सबमिट बटन ले लिया। तो ये थोड़ा सेम ही हो जाता है। उसमें क्या कर रहे हैं, अपडेट में क्या होता है, सबसे पहले डेटा को लेके आते हैं फिर उसको अपडेट करते हैं। जस्ट नाउ डिव क्लॉज एंड फुटर डॉट पीएचपी, सो सेव करते हैं एंड रन करके देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होगी तो उसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ तक तो हम क्रिएट कर चुके थे कि यहाँ पे हम आर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम एडिट के लिए क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एरर आ रही है तो इसको रिमूव करते हैं एरर को। 81 पे एरर आ रही है, अनएक्सपेक्टेड। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे फोर इंचेस की स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, इच तो ये फोर इंच हो गया मेरा, तो कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है कभी कभी, तो एरर को रिमूव करना आना चाहिए। रिलोड, ठीक है, तो एरर मेरी रिमूव होगी। अब इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी वो मैं देख लेता हूँ। अब इसमें आ रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल रो, ओके ठीक है, ठीक है, चल तो चलिए इसको रिमूव करते हैं। ऑनलाइन 110, तो सबसे पहले एरर तो मुझे यहाँ पे मिली। सबसे पहले यहाँ पे नोट देना आया था कि अगर ये वैलिड हो जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं आती है तो ठीक है, यहाँ पे चेक करें, अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं है तो नोट आएगा यहाँ पे, नोट, तो नोट साइन एंड फॉरवर्ड, तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नोट दे दिया है। एंड इसके बाद एक एरर और है इसमें, बाय मिस्टेक, तो यहाँ पे आर्टिकल देना है जो कि आर्टिकल, तो आई आईडी, तो यहाँ पे आर्टिकल आईडी एंड यहाँ पे आर्टिकल आईडी आपको देना है प्रॉपर, ठीक है, एंड यहाँ पे चेक कर लेना आर्टिकल प्रॉपर, ठीक है। तो आर्टिकल आईडी में थोड़ा मिस्टेक थी, आर्टिकल आईडी एंड आर्टिकल आईडी, तो सेव करते हैं, रन करते हैं। अभी तक तो ये अनडिफाइंड दे रहा था। उसके बाद इनवैलिड पैरामीटर्स नंबर, तो इनवैलिड पैरामीटर्स नंबर का मतलब ये हो जाता है आपके जो पैरामीटर्स है जो कि आपने सेलेक्ट किए हैं डेटाबेस से, उनमें कुछ एरर आ रही है, तो उनको चेक कर लीजिए, तो तभी ये एरर आती है। तो एंटर दबाता हूँ मैं, तो एंटर दबाते देख सकते हैं आप, आ चुका है डेटा मेरा, प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक तो मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो ठीक है, अपडेट करते हैं इसको। अपडेट करने के लिए मैं जस्ट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक अपडेट ऑफ वर्ड, ठीक है, तो उससे चेक हो जाएगा कि अपडेट होता है कि अपडेट, और यहाँ पे भी मैं अपडेट करता हूँ और चेक करते हैं मेरा अपडेट होता है कि नहीं होता है। तो ठीक है, ये अपडेट हो चुका है, तो देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट, जैसे ही मैं यहाँ पे दोबारा से एडिट करूँगा तो यहाँ पे अपडेट आ जाएगा, तो ये अपडेट हो चुका है, ठीक है, ये प्रॉपर अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ भी आप अपडेट कर सकते हैं। हाउ, मैंने थोड़ा टाइटल अपडेट कर दिया है, एंड इस तरीके से यहाँ पे कंटेंट भी आप अपडेट कर सकते हो, जो भी कंटेंट आपको रखना है तो यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो अपडेट कर देता हूँ मैं जैसे यहाँ पे, तो ये अपडेट प्रॉपर हो चुका है, तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, तो डिलीट करते हैं, चलिए तो डिलीट करते हैं जैसे ही, तो ये डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही मैं डिलीट करता हूँ, ओके डिलीट, तो ये हो गया पर ये इंडेक्स डॉट पी एच पी पर वापस नहीं गया। तो उसके लिए एरर को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको जाना एडमिन फोल्डर पे, एडमिन पे जाना, इंडेक्स पे जाना है, पे यहाँ पे चेक करना है। जैसे मैं यहाँ पे चेक करते हो तो यहाँ पे ये बाय मिस्टेक एक्शन, एक्शन यहाँ का सी रिमूव है, तो यहाँ पे सी देना है,
यहाँ पे आपने एक्शन चेक कर लिया, ठीक है एक्शन मेरा प्रॉपर है। अब यहाँ पे एक और सिंटैक्स एरर है, ठीक है यहाँ पे डबल कोटेशन मार कर रहा है, इसको रिमूव कीजिए और यहाँ पे कोलन दीजिए, कोलन देने के बाद ये प्रॉपर हो जाता है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर को आपको देखना आना चाहिए, एरर तो आती रहती है, इसको सोल्यूशन करना आना चाहिए आपको। लोकेशन कोलन इंडेक्स डॉट पीएचपी, तो ये प्रॉपर हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद जैसे ही मैं आर्टिकल ऐड करता हूँ, जैसे ही मैं इसको डिलीट करता हूँ, ओके देन डिलीट, डिलीट करने के बाद ये देख सकते हैं आप उसी इंडेक्स डॉट पीएचपी पे आ गया। तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन आ जाता है, तो ये आर्टिकल का हो गया। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में क्या करेंगे हम, जो ये आर्टिकल हमने क्रिएट किया है इनको डिस्प्ले कराएंगे पब्लिक पेज पे, पेज होगा ब्लॉग का, उस पर हम डिस्प्ले कराएंगे। यदि ये ट्यूटोरियल आपको वैल्यूएबल लगा तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, थैंक यू।